वेलकम टू पहलगाम कश्मीर और हम अभी हैं लिदर रिवर के किनारे। एक ज़माने में इसका नाम लंबोदरी नदी हुआ करता था। कश्मीर के रेड डिलीशियस सेब की मिठास तो देश विदेश में फेमस है। श्रीनगर से पहलगाम की ओर आते हुए ऐसे बहुत से सुंदर सेब के बगीचे पड़ेंगे जहां पर एप्पल जूस ट्राई करना मस्ट है। किलोमीटर के स्ट्रेच में बहती हुई इस लिडर रिवर के ब्यूटीफुल लैंडस्केप को क्रॉस करते हुए हम अपने रिजॉर्ट की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि शाम हो चुकी थी और रिजॉर्ट पहुंचते पहुंचते हमें 6:30 बज चुके थे। तो हमने रिजॉर्ट पे रुककर थोड़ा रेस्ट किया और ये है हमारा सुंदर सा रिजॉर्ट एंड दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल कोजी रूम एंड वी ऑल्सो हैव अ बालकनी व्यू विच गिव्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइट ऑफ व्हाट्स आउटसाइड। The lush greenery of Kashmir and the beauty of Kashmir is totally visible from the balcony of our room. कहीं बाहर जाके हमसे बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं हो पाता, चाहे कितना भी कोजी रूम हो, तो हम रिजॉर्ट के इस कैफेटेरिया में आके थोड़ा चाय पानी और स्नैक्स खाने लगे और फिर बस रेस्ट करने के बाद अगली ही सुबह हम पहुँचे आरू वैली। बट वेट, दिस इज़ नॉट आरू वैली, दीज आर जस्ट दी लोकल साइट सींग स्पॉट्स जहाँ पर आप कश्मीर का ब्यूटिफुल लैंडस्केप के व्यूज़ ले सकते हो और फोटोग्राफी करा सकते हो, जैसे हमने कराई इन बर्ड्स के साथ। और आपको एकदम मसकली वाली फील आएगी, पीछे से बैकग्राउंड में मसकली वाला सॉन्ग प्ले होने लगेगा माइंड में। और अब इतने सुंदर लैंडस्केप को देख के मेरे माइंड में सच में ये हसीं वादिया सॉन्ग ही प्ले हो रहा था। कश्मीर आके समझ आ जाता है कि बॉलीवुड के लिरिक्स कितने सही लिखे हुए हैं कुछ कुछ सॉन्ग्स के। कैसा लग रहा है निकिता? जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। चलो 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 मैं चल दौड़ो 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 अपने झाड़ू किस्म में झाड़ू मेरा हवा में उड़ता ए मेरा रंग ठीक हो मैडम? यस सर। पक्का? अंदर आओ थोड़ा। बढ़िया सर। ठीक हो? हाँ जी। ओके जी।
कश्मीर की इन सुंदर घाटियों को देखने के लिए हॉर्स राइड इज़ अ मस्ट, नहीं तो अगर आप चल के जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और जैसे कश्मीर को इमेजिन करते हैं तो मन में ख्याल आता है कि चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हैं, सरसराती हुई हवा का स्पर्श, भीनी भीनी खुशबू फूलों की। बस इसी अनुभव के लिए आरू वैली अपने आप में ही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है। ये ऑफबीट जगह श्रीनगर, गुलमर्ग जैसी फेमस ना हो लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। पहलगाम पीर पंजाल रेंज ऑफ माउंटेन्स की ब्यूटी से भरा हुआ एक वैली है और ये काफ़ी फेमस है अपने सुंदर पहाड़ों, नदियों और शांत वातावरण के लिए। शायद प्रकृति की ऐसी अनमोल खूबसूरती देखने के लिए ही लोग कश्मीर आना पसंद करते हैं। ऐसी सुंदर और सुरम्य घाटियाँ देखकर कौन नहीं कहेगा कि कश्मीर स्वर्ग है। ये है कश्मीर की बेहद खूबसूरत बेताब वैली, जिसका नाम 1983 में आए बेताब मूवी के हिट होने पर रखा गया था। वैसे इसका नाम हजन वैली भी है। प्रकृति की असल खूबसूरती आप यहाँ आकर देख सकते हैं। हसीन पहाड़, घास के मैदान, झील और झरनों से परिपूर्ण बेताब वैली खूबसूरती का खजाना मानी जाती है। नेक्स्ट डे हमने पहलगाम से श्रीनगर की ओर जाते हुए अवंतीपुरा मंदिर भी विजिट किया, जो कि एक बहुत ही प्राचीन मंदिर और स्मारक है। बताया जाता है कि ये पहले भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था, जिसे अवंती ईश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता था, और ये यूनानी वास्तु शैली से बना हुआ एक मंदिर है। 18वीं सदी का ये मंदिर एक प्राकृतिक आपदा के चलते ज़मीन में दफन हो गया था, लेकिन आज भी श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ यहाँ पूजा अर्चना करते हैं